अगर तुम देखोगे यहाँ से, देखो इस वाले क्वेश्चन में देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये थोड़ा सा बच्चे डाउट में अक्सर इसको लेके आते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड 3 मीटर पॉइंट। देखो पहले इसका बना लेते, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पार्टिकल जा रहा है। अब ये कहते हैं पार्टिकल मूव हाफ ऑफ डिस्टेंस, चलो मान लेते हैं ये डिस्टेंस पूरा 2x है, दिस डिस्टेंस इज 2x, और इसका जो हाफ डिस्टेंस है ये वाला x, हाफ डिस्टेंस ये, दिस एक्स ट्रेवल विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से चलता है, ठीक है ना। ये एक्स है तो एक्स को चलता है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एंड द अदर हाफ कवर इन टू इक्वल टाइम इंटरवल, तो टू इक्वल टाइम इंटरवल में द अदर हाफ को जाने में यहाँ से मान लो 2t लगा होगा, तो दो हाफ मतलब यहाँ से अगर t लगा होगा, दो अदर हाफ जो है टू इक्वल है, टी लगा होगा तो ये भी टी लगा होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ 2t लगा होगा। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा है, तो यहाँ पे टाइम t1 लगा है चलो मान लो आधे के लिए, और ये टाइम पूरा t2 लगा है, तो t2 जो है वो 2t के बराबर है, ठीक है। अदर हाफ, तो अदर हाफ जो है अब ये डिस्टेंस कितना है वो नहीं पता है, वी डोंट नो अबाउट द डिस डिस्टेंस यार, तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो ये मान लेते हैं x1 है और अदर हाफ ये x2 है, लेकिन x1 और x2 का सम हमें पता है x के बराबर है, क्योंकि ये पूरा x था यार, बात समझ में आ रहा है यार ये। और यहाँ से तुम देख अदर हाफ कहता है x1 जो चला वो 4.5 से, यहाँ पर स्पीड 4.5 है और यहाँ पर 7.5 है, इतने 7.5 से चला है और ये 4.5 से चला है, ये सारा सिनेरियो है। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा लॉजिक क्या है यार, अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूँ तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2x ए से बी, और टोटल टाइम ले जाएगा t1 + t2, और t1 + t2 मतलब 2x डिवाइडेड बाई t1 और +2t, ठीक है ना। ये अब हमें कुछ नहीं करना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, t1 t2 को x के, t1 और t को x के टर्म में रख देंगे तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, कट जाएगा और फाइनली नंबर के फॉर्म में सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं t1 निकालता हूँ, तो t1 की जो वैल्यू है, t1 तुम लिख सकते हो डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डिस्टेंस अपान स्पीड ये, तो ये रहा मेरा t1, तो t1 मुझे पहले से ही यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगी 2t, एक टी तुम देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी x1 / 7 पॉइंट डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, x1 इज इक्वल टू स्पीड कितना है यार यहाँ पे, तो यहाँ पर स्पीड 4.5 है ना यार, तो यहाँ से स्पीड 4.5 है, तो मैं x1 को लिख सकता हूँ 4.5। उसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, t की वैल्यू लिख सकता हूँ x2, और यह जाएगा 7.5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 + x2 का सम ये सब x के बराबर है यार, तो 4.5t + 7.5t इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा अपना 12t इज इक्वल टू x। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी t की वैल्यू x/12, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द t। अब यहाँ से अब इन सबको मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखता हूँ, तो एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगा 2x को ऊपर ही रहता हूँ, और नीचे आया x/3, और +2 यहाँ था ही था, और t की वैल्यू आ जाएगा x/12, तो x x यहाँ से कॉमन आ गया, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1/3 और +1/6, ठीक है। तो 1/3 1/6 अगर तुम यहाँ से देखोगे तो 2 × 3 × 6 ऊपर चला गया, और 6 × 3 = 9 यहाँ हो गया, तो ये 3 से 3 times मल्टीप्लाई होगा और ये 2 times कट जाएगा, तो 4 m/s इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, मतलब ए ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।